हेलो व्यूअर्स, अपनी इस सीरीज जिसमें हम एज रिलेटेड आई डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं, आज बारी है 40 प्लस एज ग्रुप की, यानी जो लोग 40 साल से बड़े हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पर पाई जाती हैं और जिसके लिए उन्हें सजग रहना चाहिए और हो सके तो इन बीमारियों को प्रिवेंट ही करें ताकि ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। ये पांच बीमारियां जो 40 प्लस लोगों में आती हैं, इनमें जो सबसे कॉमन है वो है नंबर एक पे प्रेस बायोपिया, या 40 साल के बाद लगने वाला नजदीक का नंबर, कैटरेक्ट या सफेद मोतिया, ग्लूकोमा या काला मोतिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अनकंट्रोल्ड शुगर से होने वाले आंख के नुकसान और एआरएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। अब ये सभी बीमारियां जो हैं, यदि हम 40 वर्ष के बाद की उम्र में रेगुलर आई चेकअप्स कराएं तो हम इन्हें काफी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और यदि हो ही जाए ये बीमारी तो फिर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। 40 प्लस एज ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो है, बीमारी ना भी कहें तो एक विकार ही कहें, वो है प्रेसबायोपिया। सभी लोग जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं तो उन्हें नज़दीक के लिए अलग चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि कोई व्यक्ति पहले दूर का चश्मा नहीं लगाते तो उन्हें सिर्फ नज़दीक का चश्मा लगेगा, यदि कोई व्यक्ति दूर का चश्मा लगाते हैं तो अब उन्हें दूर और अलग के पास के लिए अलग अलग चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि कोई मायोपिया के -2 या 3 के चश्मे लगाते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए अपने चश्मे को उतारना होगा। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि वो नजदीक के चश्मे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं और इसे टालते रहते हैं, और फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, कोई भी पास की चीज यहां देखने की बजाय वो थोड़ा दूर कर करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। तो 40 के बाद नजदीक का चश्मा पहनने के लिए अपना मन तैयार रखना चाहिए। अब दूसरी जो कॉमन डिजीज 40 प्लस एज ग्रुप में है वो है कैटरेक्ट या सफेद मोतिया। इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी एक अलग वीडियो में दी है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। हम सबकी आंखों में एक क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है जो हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो उसे रेटना पे फोकस करने में मदद करता है कॉर्निया के साथ मिलके, लेकिन उम्र के साथ साथ ये लेंस धुंधला होना शुरू हो जाता है, और ऐसा पाया गया है कि 60 तक की उम्र तक जाते जाते करीब 30% लोगों को कैटरेक्ट हो ही जाता है। अब कैटरेक्ट कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक एज रिलेटेड चेंज है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं या चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, तो इसे हमें बहुत सहजता से लेना चाहिए, और शुरुआती दौर में जबकि चश्मे का नंबर बदल के हमारा अपना डेली रूटीन चल रहा है तब हमें कुछ मोतिया को स्लो डाउन करने वाली आई ड्रॉप्स और खाने की दवाइयां जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से काम चलाना चाहिए, और जिस स्टेज पे जाके हमें ये लगे कि नहीं, अब चश्मे का नंबर बदलने से भी हमें इतना नहीं अच्छा दिख रहा जिससे हमारी दिनचर्या के सभी काम ठीक से हो पाए, खासतौर पर ड्राइविंग या अपना प्रोफेशनल वर्क, तब हमें इसके लिए सर्जरी का चुनाव करना चाहिए। आजकल कैटरेक्ट की सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है, पिछले करीब 25 सालों से फेको इमल्सिफिकेशन रेगुलरली की जा रही है जिसमें बहुत छोटे कट से बिना टांके के ये सर्जरी पूरी हो जाती है। अब तो इसमें चीरा लगाने के लिए भी फेम्टो लेजर का भी इस्तेमाल होने लग गया है, सो अगर ज़रूरत पड़े तो सही समय पर कैटरेक्ट सर्जरी करवाएँ, जो कि आजकल बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। तीसरी सबसे कॉमन बीमारी जो 40 प्लस लोगों में आती है वो है ग्लूकोमा या काला मोतिया। इसके बारे में भी हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, यहाँ मैं इसके कुछ सेलियंट फीचर्स डिस्कस करूँगा। काला मोतिया होता है जब हमारी आँखों का इंट्राओकुलर प्रेशर या आँखों का प्रेशर बढ़ जाए और वो आँख की नस को डैमेज करे और हमारे देखने के दायरे को कम करे। अब हमारी सबकी आंखों में एवरेज नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है,
यदि ये 24 से ज्यादा हो जाए और आपकी नस को नुकसान पहुंचाए तो फिर ये ग्लूकोमा कहलाता है। 20 से 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के समय में हमारे पास ये फेज होता है जबकि हम इसे ग्लूकोमा में जाने से रोक सकते हैं। ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसमें कि हमें सारी उम्र दवाई डालनी पड़ती है, आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा प्रकार का ग्लूकोमा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो यदि शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाए तो पहले लेजर ट्रीटमेंट से या PI या पेरिफेरल आयरिडोटमी से, और यदि ये शुरू में पकड़ में ना आए तो फिर ट्रैबिकलेक्टमी नाम की सर्जरी से इसे ठीक किया जाता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स में भी कभी कभी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़ती है सर्जरी या लेजर होने के बावजूद भी। ग्लूकोमा या काला मोतिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट बीमारी है कि इसमें जितना जितना रोशनी का नुकसान होता जाता है वो फिर इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए इसका समय रहते इलाज होना बहुत जरूरी है। ये सफेद मोती की तरह नहीं है कि जितनी भी रोशनी का नुकसान हुआ बाद में ऑपरेशन के बाद सारी की सारी रोशनी वापस आ जाए, तो काले मोती के पेशेंट्स को और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार ही ट्रीटमेंट को रेगुलर फॉलो करें। अब जो चौथी बीमारी 40+ के लोगों को जो कॉमनली इफेक्ट करती है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये वो बीमारी है जो जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है और वो उसको ज़्यादा ध्यान से कंट्रोल नहीं रखते हैं, इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते, परहेज ठीक से नहीं रखते और उनकी शुगर आम तौर पे बढ़ी रहती है। यदि शुगर ब्लड में काफ़ी सालों तक बढ़ी रहे तो फिर उसका बुरा असर रेटना की आँख का जो पिछला पर्दा होता है उसकी खून की नालियों को डैमेज कर देता है और उसमें से फिर धीरे धीरे ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है और खून के थक्के जम जाते हैं आंख के पर्दे में। सो इसमें भी क्योंकि ये रेटना को अफेक्ट कर रहा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी गया हुआ विजन फिर वापस नहीं आता। इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम सब लोग अपनी शुगर का ध्यान अच्छे से रखें और उसे अच्छे से कंट्रोल में रखें। लेकिन यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो ही जाती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह से किया जा सकता है। इनिशियल स्टेजेस में एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन के द्वारा, फिर यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो ही जाती है तो फिर उसका लेजर से भी ट्रीटमेंट हो जाता है, और इसके अलावा इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस जो कि आँख के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनसे भी इसका ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है और आंखों में विट्रियस हेमरेज हो जाती है तो फिर विट्रेक्टमी नाम की सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी सही मायने में एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो जिन जिन लोगों को भी डायबिटीज की शिकायत है वो शुरू से ही अपने डॉक्टर के यहाँ कम से कम साल में एक बार अपनी आंखों का पूरा चेकअप कराएं। जब कोई भी डायबिटिक हमारे पास आते हैं तो हम उनका आंखों में दवाई डाल के पुतली फैला के उनके पर्दे की जांच इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप से करते हैं या डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप से भी करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उनकी आंखों में शुगर का कोई बुरा असर तो नहीं, और यदि है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। 40+ एज ग्रुप में एक जो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग डिजीज होती है वो होती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ARMD। बहुत सारे बुजुर्गों में, खास तौर पे 60 साल से बड़े लोगों में ये बीमारी धीरे धीरे आपके अपना घर बना लेती है। हम समझेंगे कि ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है क्या, तो सबसे पहले समझेंगे मैकुला क्या है। हमारी आंख में जो रेटिना होता है उसका जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, जो मेन बिंदु होता है जहां से हम सेंट्रल विजन प्राप्त करते हैं, वो होता है मैकुला। और उम्र के साथ साथ ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में, जिनमें खास तौर पे जिन लोगों की डाइट जीवन के आखिरी पड़ाव में ज़्यादा अच्छी नहीं होती या डाइट अच्छी ना होने के बाद भी वो डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें होता क्या, ये डिस्ट्रेसिंग इसलिए है कि इसमें पर्सन का सेंट्रल विजन, इसका मतलब उन्हें अपने सामने की चीज़ें नहीं दिखती, जैसे किसी ने हमारे आंख के आगे हाथ रख दिया तो अब जैसे मुझे सामने नहीं दिख रहा लेकिन साइड की चीजें दिख रही हैं।
तो ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है। इसमें बचाव के लिए सारी उम्र ही हमें अच्छा भोजन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, और यदि 40 या 50 की उम्र के बाद ठीक से हम पूरा न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पा रहे हैं तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर लेने चाहिए। यदि एआरएमडी एक हद से ज़्यादा बढ़ी जाती है तो फिर इसके लिए भी हमारे पास कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होती हैं जिससे इसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, और कभी कभी इंट्राविट्रल इंजेक्शंस भी इनमें देने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया इलाज तो एआरएमडी का यही है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें और जीवन भर पौष्टिक आहार लें, खास तौर पे 40 की उम्र के बाद। सो फ्रेंड्स, 40 की उम्र के बाद हमारी जिम्मेवारी अपने लिए, अपनी सेहत के लिए और भी ज़्यादा हो जाती है। इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर चेकअप्स, अपनी शुगर और अपनी ब्लड प्रेशर यदि ये आपको हैं तो उनका पूरा ख्याल रखना। प्रिवेंशन ही बेटर तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, क्योंकि अगर बीमारी हो गई तो वो फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान कर ही देगी। अब बारी है आज के कोट की। आईज कैन टेल मोर देन वर्ड्स कुड एवर से। इसका मतलब है कि आंखों से ज्यादा चीजें कन्वे होती हैं बजाय शब्दों के। वो कहते हैं कि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। इसलिए अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिए और इन्हें हेल्दी रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक। वी विल बी बैक विद मोर वीडियोस ऑन आई केयर।